नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, आर्थिक अपराध इकाई ने डीजी को पत्र लिखा है। पेपर लीक मामले में शामिल तत्कालीन डीजीपी सिंघल के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। तो सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला, आर्थिक अपराध इकाई ने डीजीपी को पत्र लिखा है। पेपर लीक मामले में शामिल तत्कालीन डीजीपी सिंघल के खिलाफ कार्रवाई के लिए यह पत्र लिखा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला, आर्थिक अपराध इकाई ने डीजीपी को पत्र लिखा है। पेपर लीक मामले में शामिल तत्कालीन डीजीपी सिंघल के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। तो बड़ी खबर बता रहे इस वक्त की आपको, बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां आर्थिक अपराध इकाई ने डीजीपी को पत्र लिखा है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पत्र लिखा गया है और तत्कालीन डीजीपी सिंघल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, और इसी के लिए जो है पत्र भी लिखा गया है। तो हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजीव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर। एस के राजीव जी, पत्र लिखा गया है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा डीजीपी को, और इस पत्र में तत्कालीन डीजीपी सिंघल के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग की गई है पेपर लीक मामले में, सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में। देखिए मनीष जी, दरअसल में बिहार के पूर्व डीजीपी जो थे हैं एस के सिंघल, उनकी अब मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं से बढ़ती दिख रही है। दरअसल में जब डीजीपी से रिटायर किए थे वो, उसके बाद राज्य सरकार ने उनको विधिवत सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था, और जो ईओयू ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उसमें कहा जा रहा है कि सिपाही भर्ती घोटाला में उन्होंने 10% की जो मोटी रकम है वो प्रिंटर से ही ले लिया था, प्रिंटर के मालिक से, और उसके बाद जो है वो ये पूरा जो परीक्षा है उस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, और उसके बाद सिपाही भर्ती जो बोर्ड था उसका नाम करण सिपाही भर्ती घोटाला बोर्ड कर दिया गया था, और उस पूरे मामले में जो है वो लंबे समय तक ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई को जब ये मामला सौंपा गया तो लंबे समय तक उस मामले की जांच जो है वो चली, और अंततः सिपाही भर्ती घोटाले में जो है मुख्य अभियुक्त के तौर पर तत्कालीन डीजीपी सिंघल को जो है वो पाया गया, और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने डीजीपी के खिलाफ सरकार को पत्र लिखा और यह कहा है कि सरकार इस पूरे मामले पर अब आगे की कार्रवाई करे। जी मनीष जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।